बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर काम करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये मान के चलो कि इसके बिना हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले नहीं हैं। अब क्योंकि ये एक मास्टर वीडियो है जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं टॉपिक्स का, कोशिश कर रहे हैं उस इंट्रोडक्शन में भी आपकी 50% डाउट्स क्या हो क्लियर हो जाए, लेकिन लाइव क्लासेस में ही ये टॉपिक्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होंगे। और हमें क्योंकि टाइम बाउंडेशन को फॉलो करते हुए इसको कराना है, तो बेटे ध्यान से समझिएगा और कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप अपनी क्वेरी सेंड करिएगा और बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग डिस्कशन में लेकर आएंगे। बच्चों आप लोगों को अब जो ध्यान से समझना है वो कॉन्सेप्ट है आपके पास एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और जब हम लोग इस एरिया में काम करते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना होता है कि आखिरकार ये एग्रीगेट डिमांड होती क्या है। तो सिंपल अगर आप बोलें तो एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर जितनी भी टोटल डिमांड है उस डिमांड को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। पर ये एक आम आदमी की लैंग्वेज है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में बोला जाए क्या होती है एग्रीगेट डिमांड, तो बेटा इट रेफर्स टू टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, इन द अदर वर्ड्स इट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर। ये है क्या एग्रीगेट डिमांड, आपकी क्या है टोटल एक्सपेंडिचर, और वो एक्सपेंडिचर किसके ऊपर होना चाहिए, ये एक्सपेंडिचर आपका होगा किसके ऊपर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। यानी ये एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। पर ये एक्सपेंडिचर करते क्यों हैं, ये एक्सपेंडिचर हम करते हैं नंबर वन कंजप्शन के लिए और दूसरा बेटा आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपने देखा कि हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टोटल डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड है, या फिर हम इसको एग्रीगेट डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं जो हम किसके लिए करते हैं, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए जब हम इसको डिफाइन करते हैं कि आखिरकार एग्रीगेट डिमांड क्या हो सकती है, तो हम लोग इसे डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सपेंडिचर फॉर कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर फॉर इन्वेस्टमेंट। इसी के बेस पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर एक फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा होगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बच्चों ये तो था एग्रीगेट डिमांड, मतलब कुल खर्चा कुल एक्सपेंडिचर किसके लिए, कंजप्शन के लिए और क्या बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके बेस पर इसको डिफाइन किया जाता है कई बार कि एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे ले जाते हैं, आखिरकार एग्रीगेट डिमांड के टोटल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आप लोग देखेंगे बच्चों एग्रीगेट डिमांड के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसके बाद बच्चे आपके पास अगर इकोनॉमी आपकी ओपन इकोनॉमी है तो इसमें हम लोग जो है बेटा आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी शामिल करते हैं, इसमें हम लोग नेट एक्सपोर्ट भी क्या करते हैं शामिल करते हैं, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसे हम सी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम आई कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम शॉर्ट में या ब्रीफली सिंबॉलिकली हम जी कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट जिसका जिसको हम क्या कहते हैं कैसे शो करते हैं एक्स माइनस एम, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट और एम मीन्स इम्पोर्ट। अगर हम इन चारों आइटम्स को ले लेते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर होगा या फिर वो हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड होगी। और इस तरह से पता लगा कि एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल है क्या, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, पर्पस क्या है इस एक्सपेंडिचर का, कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट, इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। तो बेटा अगर ओपन इकोनॉमी है
ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पर फोर टाइप्स के कंपोनेंट्स होंगे जिनसे मिलकर हमारी एग्रीगेट डिमांड बनती है CIGX-M, यानी एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला हमारे सामने निकल कर आ सकता है कि C+I+G+βX-M। तो ये था एग्रीगेट डिमांड। अब जल्दी से कुछ याद करिए, ठीक दो चार मिनट पहले आपने नेशनल इनकम को भी फाइंड करना जाना था एक्सपेंडिचर मेथड से, और आपने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर यही चारों चीजें वहां भी थी। तो यहां पे कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि जो नेशनल इनकम आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं वो भी तो क्या एस्टीमेट करता है फाइनल गुड्स के ऊपर होने वाला एक्सपेंडिचर, और वो भी कितने टाइप का है, फोर टाइप का। और जो एग्रीगेट डिमांड में हमारे कंपोनेंट्स है, ये वही कंपोनेंट्स है जो हम लोग नेशनल इनकम में लेते हैं। अब बच्चों यहां से थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इस एरिया में है और वो है बच्चे हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि वो गुड्स और सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूस करने का, यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनको हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग सामने बोर्ड पर देख रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या है बेटा, ये है प्लैंड प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर हमारा प्लान कर रहे हैं प्रोडक्शन करने का, ठीक है वो है। और इसे हम एक दूसरे ढंग से भी समझा सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में एक साल के अंदर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इसीलिए आप देख रहे होंगे हमने लिखा है इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो आपका बेटा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो हमारी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। तो बच्चे अभी हम लोग एक बार जल्दी से ब्रीफली इसके ऊपर काम करते हैं और दोबारा से सीखते हैं कि आखिरकार है क्या आपके पास एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये है प्लांट आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। ये जब प्रोड्यूस होंगे तो ये क्या करेंगे, इकोनॉमी में फ्लो करेंगे, ठीक है। तो हम इस जब ये फ्लो करेंगे तो उसे बोलते कैसे हैं, फ्लो ऑफ क्या बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसीलिए हमने इसको डिफाइन किया कि एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो चीजें इकोनॉमी में फ्लो होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, वो हमेशा होती है क्या बेटा, फाइनल गुड्स होती है। और ये फाइनल गुड्स ही हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाती है, और इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या कह सकते हैं, वैल्यू एडिशन। तो यानी कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एक्चुअली किसको शो करता है, वैल्यू एडिशन को। अब अगर वैल्यू एडिशन की बात करें तो बेटा ये वैल्यू एडिशन हमेशा इनकम के इक्वल होता है। अगर बेटा ये इनकम के इक्वल होता है तो हम तो जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इनकम के दो कंपोनेंट होते हैं C+I। बेटा क्या, C+I, ध्यान से देखिएगा, हमारी इकोनॉमी में जो इनकम है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, C+I। C for consumption और I for क्या, इन्वेस्टमेंट। इस तरह से आप लोग एग्रीगेट सप्लाई को जो है आप लोग किस रूप में भी डिफाइन कर सकते हो, एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन कर सकते हो C और I के रूप में। तो एक काम करते हैं, आपसे ही डेफिनेशन
आप बुलवाते हैं, आप ही डेफिनेशन तैयार करो. व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? सर इट इज प्लैंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. प्लैंड आउटपुट का मीनिंग सर जो हमारे प्रोड्यूसर्स प्लान करना चाहते हैं, ये जब प्रोड्यूस होगा तो इकोनॉमी में आएगा. इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन किया जा सकता है एज ए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो इकोनॉमी में हमारी फ्लो हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज, इफ दे आर अवेलेबल फॉर फाइनल यूज तो दे विल बी कॉल्ड फाइनल गुड्स. और फाइनल गुड्स की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू एडिशन. और अगर वो वैल्यू एडिशन के इक्वल है तो वैल्यू एडिशन हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा? इनकम के. और इनकम हमेशा दो कंपोनेंट्स के साथ होती है और वो है आपके पास कंजप्शन और दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट. इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन किया जा सकता है एज ए कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग. तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है वो आप लोगों ने यहां पर बेटा ब्रीफली यहां पे समझा है.